हमें काम करने की जरूरत है देखिए एक बच्चा आप मुझे बात बताएं कि हम क्यों पीछे हैं एजुकेशन में हम क्यों पीछे हैं बिकॉज आवर किड इज नॉट फोकस्ड हमारा बच्चे का फोकस ही कहीं हो रहा है जब पढ़ने की उम्र होती है तो वो लड़कियों में पड़ा होता है वो जो है वो फोर्स साइड्स के अंदर लगा होता है वो टिकटॉक यूट्यूब नेटफ्लिक्स देख रहा होता है क्यों ये फ्रस्ट्रेशन हटाने का मिटाने का एक जरिया जरिया शादी है आपका जरिया शादी है जरिया शादी नहीं है हल शादी हल शादी है हल शादी है सना साहब ये जिस तरह से आपने सुना है कि माशरे में अगर खराबियाँ हैं इखलाकी तौर पर हम जवाल का शिकार हैं तो उसकी एक जो हल है जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि आपको शादी करनी चाहिए और अगर आपको एक से ज़ायद शादियों की भी ज़रूरत है तो आपको उस तरफ भी जाना चाहिए बजाय इसके कि आप उन कामों की तरफ जाएँ जिसकी आपको ना तो इस्लाम इजाज़त देता है ना कोई मुआरा इजाज़त देता है ना क़ानून उसकी इजाज़त देता है अच्छा बात इन्होंने बिल्कुल सही की है मगर मसला ये कि हम फोकस करते हैं अपने बच्चों पर बच्चे ये करें बच्चे यूं करें बच्चे हमारे डिट्रैक्ट हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं डिट्रैक्ट हम बींग पेरेंट्स हम बहुत अच्छे हैं हम जिन चीज़ों से हमें खुद पहले अपने आप को रोल मॉडल बनाना है ना हमने अपने आप को हमने बताना है कि नहीं जी हम ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी ऐसे नहीं चलनी मगर हमारे बच्चे देख क्या रहे हैं वो ड्रामा सीरियल्स जो शायद हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते आज हम सब बैठ के देखते हैं वहाँ से हमने तरबियत जहाँ से नहीं लेनी चाहिए वहाँ से तरबियत ली है और रही बात शादी की तो शादी की तो बेशुमार बींग जर्नलिस्ट में रोज़ाना सुनती हूँ कि आज मोहब्बत हो गई है ए, एक शादीशुदा मर्द से तो आ, कल हमने शादी कर लेनी है अभी बताना नहीं है किसी को छुपा लो इस बात को परसों डाइवोस हो जाती है ये किस किस्म के रिलेशंस हम पैदा कर रहे हैं किस किस्म का माशरा कहाँ जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मर्दों ने अपने हिस्से का इस्लाम चुन लिया आ, वो, हु, सत्तर हुरों वाला वो उनको याद है कि जी सत्तर हूरें मिलनी हैं चार शादियाँ वो उनको याद है उससे आगे पीछे इस्लाम के क्या दायरा कार हैं किस तरह से उनको निभाना है किस तरह से हमने आगे बताना है चीज़ों को किसी को कुछ इल्म नहीं है मौलवी जो मस्जिद में ऐलान कर रहा होता है जो बता रहा होता है सबको दीन वो दीन सिर्फ इतना ही बता रहा होता है अट्रैक्शन बता रहा होता है जिस वो एकदम कोई रेडी वाला खड़ा होकर ऐलान कर देता है कि जी आमों की पेटी मिल रही पाँच रुपए की सारे अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर मगर असल में जो वहाँ जा के पता चलता है चीज़ों के अंदर घुस के पता चलता है कि चीज़ें क्या हैं हमने सिर्फ़ चार शादियों वाली ऐलान सुने हुए हैं उसको निभाना कैसे है कैसे हमने अपने पेरेंट्स को देखा और कैसे हम आगे चीज़ों को ले रहे हैं किसी को कुछ इल्म नहीं है सिर्फ अपने हिस्से का इस्लाम निकाल के हम चल पड़े उस डगर के ऊपर मर्दों को भी चार शादियों का पता औरतों को भी ये पता है औरतों को ये पता है कि भाई वो पैसे वाला मर्द है हमने उसके पीछे जाना है और वो जितना हो सके हम उससे निकाल लेंगे और जब तक निकाल सकते हैं निकाल लें ये जो हो गया ना जैसा अमेरिकन सिस्टम आ गया यहाँ पर अमेरिकन सिस्टम क्या कहता है निकाला करो जिम्मेदारी है कौन निभाएगा कोई है वर्त यहाँ पर अब वो मर्द भी वो मर्द नहीं रहे हम लाख बातें करें यहाँ बैठ के मगर मर्द भी वो मर्द नहीं रहे जो जिम्मेदार हो क्योंकि मर्द का तो काम निकाह एक जिम्मेदारी है एक बीवी ए बच्चे तीन बच्चे चार मैक्सिमम एक हमारी फैमिली की वो है कि चार बच्चे तीन बच्चे होते हैं वो नहीं निभा सकता एक मर्द तो दूसरी बीवी के साथ जस्टिफिकेशन कैसे करेगा तीसरी बीवी के साथ तो फिर वो बेहतर है ना बेहतर ऑप्शन ये है कि अफेयर्स चला लो इनफैक्ट अब तो इस चीज़ पे प्रोग्राम करना चाहिए हमें कि निकाह से हट के फ्रेंडशिप कब शुरू हुई और कब ब्रेकअप हुआ क्योंकि हमारा जो माहौल बन रहा है जो हम चीज़ें सिस्टम में देख रहे हैं इस चीज़ पे प्रोग्राम करना पड़ेगा हमें आगे आगे जो टाइम आप, आप, आपका 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 ये मानना है कि जो देख रहे हैं और वही जो दिखाया जा रहा है वो इस तरीके से दिखाया जा रहा है और दूसरा आपका ये मानना है कि मर्द शायद ज़िम्मेदारी नहीं होता मर्द भी ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहता और ख़ातून जो है वो भी कहती है कि ठीक है कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना उसके साथ वो भी तो सब कुछ अगर कोई उसको पता है कि किसी से साथ उसकी बातचीत हो रही है तो वो भी अगर शादीशुदा है तो खातून को भी पता है तो मर्द ज़िम्मेदार नहीं है गैर जिम्मेदार हो गया पाकिस्तान का मर्ज मर्द जो है वो मेरी बहन ने एक बात की है कि इसमें बिलाशुबा पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा कसूर है कि अपने बच्चों को लाइलम रखा जाहिल रखा दीन का फहम और दीन का इलम देने से कौन सी साइंस की किताब है जिसने बीवी के हकूक सिखाने हैं कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग या मेडिकल की किताब थी जिसने मियाँ को बीवी के और बी, बीवी को, को मियाँ के हकूक सिखाने थे इस्लाम ने सिखाने थे ना तो इस्लाम वॉज नेवर ए प्रायोरिटी ठीक है आपने ए लेवल के उस्ताद को लाख रुपया दिया कुरान के उस्ताद को तो दो हजार देते हुए तकलीफ होती है भी ये भी हमारे मुआशरे का मुआर है।, है देखें आज भी हम यहां पे हमारा गला फट गया ये कहते कहते कि कह बदबकता है वो मर्द जो बीवी पे तशद करता है जो बीवी को गाली निकालता है जो बीवी के खुराक का ख्याल नहीं रखता जो बीवी की तालीम का ख्याल नहीं रखता हम तो ये बात कहते कहते सुकड़ गए ठीक है और ये आज से नहीं छह साल से कंपेन कर रहे हैं यहां तक के लोगों ने हमें फेमिनिस्ट कहना शुरू कर दिया लेकिन अदर इसका एक अदर साइड ऑफ स्टोरी क्या है कि मर्द के क्या हकूक है बीवी सारा दिन ड्रामा देखते रहे ये तो नहीं जिम्मेदारी बीवी के जिम्मे जो चीजें हैं वो भी तो पूरी कर रही है वो है बच्चों की तरबियत बच्चों की तरबियत इस्लाम पे करनी है ना कि मेरे पास तुम हो जैसे ड्रामों पे करनी है बच्चों की तरबियत ना तो गानों पे ना टिकटॉक पे ना नेटफ्लिक्स पे बैठ के ना स्टार स्टार्ट ड्रामों पे करनी है प्रॉपर इस्लामिक तालीम देनी है जिसका सवाल और जवाब क्यामत वाले दिन भी आपसे वालदेन से वाल होगा ठीक है आपके माशरे के अंदर क्यों ये वाक्यात हो रहे हैं कि बच्चा बाप को कतल कर रहा है बच्चा उस्तादों को मार रहा है क्यों क्योंकि दीन नहीं है दीन का फैम नहीं है ओल्ड एज होम में जाए तो वहां पे हम जैसे ही मॉडर्न सो कॉल्ड जो मॉडर्न लोग हैं उन्हीं के बच्चे हैं कि हमने दुनिया दे दी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज हर जगह हर बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर उसको बच्चे को भेज दिया उसको आला से आला इंसान बनाने के लिए उस जिद्दोजहद में लेकिन आला से आला इंसान नहीं बना वो जब अपना मकसद पूरा उसने किया, उसने किया दुनिया का रंग देखा क्योंकि हम उसको वेस्ट इंस्पायर्ड कल्चर के अंदर फिट करना चाहते थे उसने उसी को उसी को जो है अडॉप्ट किया वो जब पढ़ लिख के आया काबिल बना जब अपने पांव पे खड़ा हुआ उसने अपने बाप का मां का हाथ पकड़ा और ओल्ड एज में छोड़ाया कंप्लीट हाँ। करने दें आप अभी ओल्ड एज होम का पूरा पाकिस्तान में सर्वे करें आपको ऐसा एक वालदेन नहीं मिलेगा जिसका बच्चा जो है वो दीन से है है एक भी ये मेरा चैलेंज है आपके यहां पे टीवी के ऊपर बैठ के सेकेंडली आप कल का वाक्य देख लें एक बंदा कतल होता है लाहौर शहर में अपॉन इन्वेस्टिगेशन इस बात का पता लगता है कि बच्चे ने ही अपने बाप को कतल करवाया ठीक है बड़ा मारूफ वाक्य ये

जिम्मेदार नहीं है आपने कहा आपकी ये जो ये एक गुफ्तु है देखिए हमारी जिम्मेदारी हम है, है मर्द दोनों जिम्मेदार है।, तो है।, है।, है जिसकी वजह से जो है खुराफा पैदा हो रही है दीन के इलम की कमी की वजह दीन के इलम की कमी की वजह से ये फसाद बरपा हो रहा है आपसे आर्ग्यू करूंगी की जिधर हमने दीन के लिए बच्चों को भेजना था ना वो हम उस मौलवी से खौफजद है सिस्टर मैं आपको बताऊं कुरान का पहला मैं 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 मेडिकल डॉक्टर भी हूं मैं हाफज कुरान भी हूं अभी आपके साथ बैठ के कुछ दीन का एक हूं कम इलम एक तालब इलम्ब दीन के ऊपर थोड़ी सी बात भी कर रहा हूं दीन मौलवी ने नहीं सिखाना था हमें ये परसेप्शन नहीं हमारा परसेप्षन। गलत है मौलवी के बात सुने कुरान का पहला जो लफ्ज नाजिल हुआ ना हजरत मोहम्मद सल्लम के ऊपर वो क्या था इकरा पढ़ो हमने स्ट्राइव करना था दीन के लिए मुझे मेडिकल जो है वो